दोस्तों, मछलियों के नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आ जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो मछली खाने का शौकीन हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में मछली पालने को एक शुभ संकेत मानते हैं। इसलिए काफ़ी लोग घर की एक्वेरियम में खूबसूरत मछलियाँ पालते हैं। इनमें से कुछ मछलियाँ तो इतना महंगा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज मैं आपको दुनिया की 10 सबसे महंगे मछलियों के बारे में बताऊँगा, जिसे खरीदना किसी आम इंसान की बस में नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूं। नंबर 10, क्लेरियन एंगल फिश। क्लेरियन एंगल फिश, जो मेरीन रे फिन फिश की एक प्रजाति है, इसे ज़्यादातर पैसिफिक कोस्ट ऑफ मैक्सिको में पाया जाता है। ये मछली दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसकी शरीर पूरी तरह से पीले रंग की है और इसके ऊपर नीले धब्बे इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। इसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच तक ही हो सकता है। वैसे तो ये मछली समुंदर में रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मछली को अपनी एक्वेरियम में पालते हैं, लेकिन कोई आम लोग इसे खरीद नहीं सकता, क्योंकि इसकी एक मछली की कीमत है लगभग $2,500, यानी कि 1,80,000 रुपये के आसपास। नंबर 9, रॉट आयरन बटरफ्लाई फिश। बहुत ही सुंदर पैटर्न और रंगों के लिए ये मछली काफ़ी फेमस है। ये मछली चेटोडोंटिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसे ज़्यादातर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन और साउदर्न जापान में देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत होने की वजह से एक्वेरियम लवर के लिए एक ड्रीम जैसा है। ये मछली ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। बात करें खाने की, तो समुंदर की छोटे मोटे कीड़े शैवाल और एल्गी खाकर ये जिंदा रहते हैं। इसे एक्वेरियम में पालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एक्वेरियम में खुद को फीड करने के लिए इसे काफ़ी समय लग जाते हैं। उस समय इसकी अच्छे से ख्याल रखना होता है। अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो एक मछली की कीमत है $2,700, यानी कि लगभग 1,90,000 रुपये। नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन फ्लैटहेड पर्च। ये मछली रेनफॉर्ड या ऑपरकुलरिस की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसे ज़्यादातर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल रीफ पर पाया जाता है। इस प्रजाति की बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ये मछली बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। माना जाता है कि सिर्फ एक या फिर दो मछली को अमेरिका में लाई गई थी। इसकी लंबाई है लगभग 6 इंच के आसपास। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये और भी खूबसूरत होती जाती है। इसकी त्वचा नारंगी रंग की है और इसके ऊपर नीली धारियां मौजूद है, जो इसे काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। इसकी एक मछली का कीमत है लगभग $5,000, यानी कि 3.5 लाख रुपए के आसपास। नंबर 7, नेपच्यून ग्रुपर। इंडो पैसिफिक की कोस्टल रिप में पाए जाने वाला एक खूबसूरत मछली दुनिया की सबसे महंगे मछलियों की लिस्ट में आते हैं। इसे गोल्ड बार, ग्रुपर, नेपच्यून, कॉड ऐसे कई नामों से जाना जाता है। इसकी त्वचा पीले रंग की है और इसकी लंबाई है लगभग 10 से 17 इंच के आसपास। समुद्र के 250 से 800 मीटर की गहराइयों में ये मछली रहती है। इसकी एक मछली की कीमत है लगभग $6,000, यानी कि 4,20,000 रुपये के आसपास। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग इसे एक्वेरियम में पालने की बजाय मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए जापान की किसी भी मछली मार्केट में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। नंबर 6, गोल्डन बैसलेट, ग्रामा डेजोंगी, जिसे गोल्डन बैसलेट के नाम से ज्यादातर जाना जाता है। बैसलेट फैमिली की सबसे छोटा मछली शायद यही है। कैरिबियन सी में मिलने वाला ये मछली एक एक्वेरियम फ्रेंडली मछली है। इसकी कई प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलता है। हरे और पीले रंग की मछली देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। आकार में छोटे होने के साथ समुंदर की काफ़ी गहराइयों में रहती है, इसलिए इसे ढूंढ निकालना भी काफ़ी मुश्किल है। इसकी एक मछली की कीमत है लगभग $8,000, यानी कि 5.5 लाख रुपए। नंबर 5, ब्लेड फिन बैसलेट। इसे आप गोल्डन बैसलेट की काजिन कह सकते हैं। बैसलेट फैमिली की सबसे कलरफुल मछली यही है। गोल्डन बैसलेट से ये और भी कई गुना खूबसूरत है। ब्लेड फिन मछली कई सारे रंगों में उपलब्ध है, लेकिन ये समुंदर की 500 मीटर की गहराइयों में रहती है।
इसलिए इसे ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। एक्वेरिया में पालने के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। इसकी एक मछली की कीमत है $10,000, यानी कि 7 से 7.5 लाख रुपए। नंबर 4, मास्क्ड एंगलफिश। मास्क्ड एंगलफिश बहुत ही अनोखे दिखने वाली मछली है, जिसे वैज्ञानिक रूप से जेनेटिक परसेंटासिस नाम से जाना जाता है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये मछली बेहद महंगी भी है। इसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्टर्न हवाई द्वीप पर देखने को मिलता है। ये मछली ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इसकी पूरी शरीर सफ़ेद रंग की है और मुंह और पूंछ काले रंग की है। बहुत ही खूबसूरत होने की वजह से ये एक्वेरियम लवर की हॉट लिस्ट में आते हैं। इसकी एक मछली की कीमत है $20,000, यानी कि 15 लाख रुपये। नंबर 3, पेपरमिंट एंगलफिश। पेपरमिंट एंगलफिश जो अपने लाल और सफ़ेद रंग की पैटर्न के लिए काफ़ी मशहूर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं। ये मछली बहुत रेयर है और इसे सिर्फ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है। ये इतना रेयर है कि पूरी अमेरिका में सिर्फ एक ही मछली मौजूद है। हवाई में मौजूद वाइकिकी एक्वेरियम के रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे एक्वेरियम फिश कलेक्टर ने इसे खरीदने के लिए $30,000 यानी कि 22 लाख रुपए भुगतान करने की पेशकश की है। नंबर 2, पोल्का डॉट स्टिंगरे। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला स्टिंगरे दुनिया की सबसे महंगी मछलियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं। इसकी शरीर काले रंग की है और इसके ऊपर सफ़ेद रंग की धब्बे इसे काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। इसकी महंगी होने का वजह यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। इसे ब्राज़ील की सिंजू रिवर बासिन में पाया जाता है। एक्वेरियम लवर के बीच ये इतना पॉपुलर है कि इसकी कीमत जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसकी एक स्टिंगरे की कीमत है $1,00,000, यानी कि लगभग 70 लाख रुपये। नंबर 1, प्लैटिनम एरवाना मछली। अगर आप एक्वेरियम की शौकीन हैं तो आप इस मछली के नाम जरूर सुने होंगे। दूसरे किसी भी एक्वेरियम फिश से ये ज़्यादा महंगा है। इनमें से सबसे महंगी है प्लैटिनम एरवाना। एशिया, अफ्रीका और यूरोप की कई जगह पर इसे देखने को मिलता है। लाल, पीले, हरे, सफ़ेद, काले, ऐसे कई सारे रंगों में ये मछली उपलब्ध है। ये लगभग 3 फीट तक बड़े हो सकते हैं। एक मांसाहारी मछली है और सिर्फ मांस खाती है। इसे एक्वेरियम में पालना किसी भी आम आदमी की बस की बात नहीं है। एक प्लैटिनम एरवाना की कीमत है $4,00,000, यानी कि 3 करोड़ के आसपास। लेकिन नॉर्मल एरवाना मछली 10,000 के बीच आपको आसानी से मिल जाएगा। नंबर